मेरे ख्याल से भारतीय एयरटेल अब चेक करने वाला है फ्रेश रिकॉर्ड हाई, आपको लगती हुई दिख चुकी है 744। यहां पर जोड़ते हैं अब राजेश सतपुते जी को। राजेश जी, क्या रणनीति भारतीय एयरटेल पर? सर जी, रणनीति तो मुझे लगता है हमने परसों ही सेट की थी कि यहाँ पे 750 का कॉल हमें लेना चाहिए और हमने उसको रखा भी। और जिस तरह से ये ट्रैक्शन है, मुझे लगता है अभी ये नया हाई बनाएगा, क्योंकि इसने अपना पहला वाला जो हाई है वो ऑलमोस्ट टेस्ट किया 745 के आसपास। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बाजार को साथ दे रहा है, इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 770 से 780। तो मैं यही कहूंगा आप बाय साइड पे बने रहे। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? जो नया स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 737 के स्टॉप लॉस के साथ। भारतीय में लॉन्ग पोजिशन में बने रहे 770 780, प्रोबेबली बीटीएसटी का टारगेट भी हो सकता है। ओके, तो अगर आप देखें भारतीय एयरटेल, और याद रखिएगा ये 4-5 रोज पहले हमने ट्रेड लिया था, अच्छा करता हुआ 775 पे। और अगर अभी आप जब आप इसके चार्ट देखेंगे ना, आपको एक कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप 15 सितंबर का एक इंट्राडे फ्रीक ट्रेड को अगर आप देखें कंसिडर करेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी याद रखिएगा, उसको निकाल के रीड कीजिएगा इस चार्ट को, ऑलरेडी ये अपने 230 के राउंडिंग बॉटम को अगर आप देखें क्लियर कर चुका है। तो एक स्ट्रॉन्ग चार्ट आपकी स्क्रीन पर इस पर ट्रेड करता हुआ। अब मैं दो ट्रेड्स पर ध्यान दूंगा, शायद ICICI बैंक पे कमेंट मैं कर चुका हूँ, उसको डिस्कशन में इस्तेमाल कर चुका हूँ, इसलिए मैं शायद अब ICICI बैंक पे ना आऊँ या फिर SBI पे ना आऊँ। लेकिन एक बार आप लेके आइए टाटा मोटर्स। मानस, टाटा मोटर्स का ये दो दिन का, कल का ड्रॉप और आज का ड्रॉप बहुत कैलकुलेटेड रहा, 500 के पुट राइटर के ऊपर। अब क्योंकि मदरसन सुमी चल रहा है तो मैं इसलिए बात करूँ टाटा मोटर्स पे। 506 आज का लो एग्जैक्टली 10 डेमा, और 10 डेमा का ना वॉलेट होना, 500 का ना वॉलेट होना, इस बात का बहुत क्लियर कट सिग्नल है कि ये अपनी उन प्रॉपर्टीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी भी जो एक फ्लैग की सारी प्रॉपर्टीज को पूरा करते हैं। 506.50 आपका व्यू इस पर टाटा मोटर्स पे, अ ट्रेड लॉन्ग ट्रेड पर्सपेक्टिव से? देखिए, मेरा जो व्यू है वो टाटा मोटर्स पे अभी भी बहुत पॉजिटिव है, और मेरा अभी भी मानना है कि इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा, चांसेस बहुत ज्यादा है। और 20 डे मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 578 के आसपास है, 478 के आसपास है। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए, 478 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर एक ट्रेड लेना होगा करंट लेवल पे तो मैं प्रेफर करूंगा कि टाटा मोटर्स का ऑप्शन में ट्रेड करिए, 510 के कॉल ऑप्शन में जो कि 16 रुपए के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, आपको स्टॉप लॉस एक छोटा सा लगाना है करीब 12 रुपए के आसपास। और मेरा समझ है कि टाटा मोटर्स में अगर एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो ये भाव तो करीब करीब 30 से 32 रुपए के आसपास तक हो जाएंगे। तो टाटा मोटर्स के 510 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह रहेगी 12 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। रणनीति बिल्कुल सही आप